बसना नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ एक व्यक्ति को 100 पैकेट धान के साथ में पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक पिकअप वाहन में भारी संख्या में धान के पैकेट भरकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर नायब तहसीलदार ललित सिंह और उनकी टीम ने साल्हे झरिया रोड पर गढ़फूलझर गांव के पास वाहन को रोककर चेक किया, जिसमें 100 पैकेट धान के भरे हुए थे। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम ने वाहन के साथ धान जब्त करते हुए कार्रवाई हेतु बसना मंडी को मामला सौंप दिया है। कल हमें सूचना मिली थी पटवारियों के माध्यम से कि साले झरिया रोड से उड़ीसा से धान लाया जा रहा है गाड़ी, जिसे हमने साले झरिया के पास जो फॉरेस्ट का बैरियर है वहाँ पर रुकवाया हमने गाड़ी को और चेक किया, तो उसमें करीब 100 बोरी सरना धान पाया गया जो अवैध रूप से उड़ीसा से लाया जा रहा था। और चालक से बात करने बताया गया कि वो धान को चनाट लेके जा रहा था, तो जिसे हमने जब्त करके पहले तो हम थाना ले गए, वहाँ मंडी वालों को बुलाया गया, मंडी वालों को फिर हमने उसको सुपुर्द किया, उन्होंने अपनी जब्ती और आगे की कार्रवाई फिर मंडी वाले कर रहे हैं। कल रात 20:12 को नायब तहसीलदार द्वारा ललित सिंह द्वारा एक पिकअप वाहन 100 पैकेट धान लोड था, उसे वनों पर जांच चौकी गढ़फूलझर के पास पकड़कर मंडी के सुपुर्द किया गया है, जिसमें मंडी समिति कार्रवाई कर रही है। सर, ये धान जो है साले झरिया होते हुए आया है, उड़ीसा का धान बताया जा रहा है, क्या ये उड़ीसा का अवैध धान है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि उड़ीसा से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। सर, ये आरोप लग रहे हैं कि साले झरिया में जांच चौकी होने के बावजूद उस रास्ते से भारी संख्या में अवैध धान लाया जा रहा है, तो क्या माने कि वहाँ जांच चौकी वाले निष्क्रिय है, लापरवाह है, या कोई और कारण मानते हैं? नहीं, जांच चौकी वाले से बैठे हैं वहाँ ड्यूटी में अपने, क्या कोई और रास्ता, चोर रास्ता भी है जहाँ से धान आ सकता है आपके हिसाब से? क्या कोई और रास्ता भी है जहाँ से चोर धान आ सकता है? अब जहाँ चौकी से तो धान नहीं आ रहे हैं, और रास्ते हो सकते हैं आने के लिए। तो इसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाएंगे आप? इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं कर्मचारी, और मंडी हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है,